यीशु ही वादा कइल मसीह हवन। जब परमेश्वर दुनिया के बनौले त सब कुछ अच्छा रहल, केवनो पाप ना रहे। आदम औरी हवा एक दूसरा से प्रेम करत रहले औरी उ लोग परमेश्वर से प्रेम करत रहले। केवनो बीमारी या मौत ना रहे। परमेश्वर ऐसने दुनिया के चाहत रहले। शैतान कीड़ा के माध्यम से बगीचा में हवा से बात कैलस, काहे से कि उ उनके धोखा देहल चाहत रहे। तब हवा औरी आदम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैले, काहे से कि उ लोग पाप कैले रहले। यही से पृथ्वी पर रहे वाला सब जन मुएला, काहे से कि आदम औरी हवा पाप कैले रहले। यही से कुछ और भी बुराई भइल, उ लोग परमेश्वर का दुश्मन बन गइलन, जेकर परिणाम बाकी तब से हर एक जना पाप कैले। हर एक जना जन्म से ही परमेश्वर का दुश्मन बाड़े। परमेश्वर और लोगन के बीच में शांति ना रहे, लेकिन परमेश्वर शांति के लियावल चाहत रहलन। परमेश्वर वादा कैलन कि हवा के एगो पीढ़ी शैतान के सिर के कुचली। उ इहो कहले कि शैतान ओकरी एड़ी के डसी। दूसरी शब्द में शैतान मसीह के मार देही, लेकिन परमेश्वर उनके फिर से जिंदा कर दीहें। एकरी बाद मसीह शैतान के शक्ति के हमेशा के खातिर खत्म कर दीहन। कई बरिस के बाद परमेश्वर प्रकट कैलन कि उ मसीह यीशु हवन। परमेश्वर ओ बाढ़ से अपनी परिवार के बचावले, जे के उ लावे वाला रहले। नू से एगो नाय बनावे के खातिर कहले कि उ ए प्रकार से परमेश्वर उ लोगन के बचैले, जे उनकरी पर विश्वास करेला। यही प्रकार से उ सब के सब परमेश्वर के द्वारा मार जाए के योग्य रहले। नू से एगो नाय बनावे के खातिर कहले कि वे प्रकार से परमेश्वर उ लोगन के बचैले, जे उनकरी पर विश्वास करेला। यही से उ सब प्रकार के सब परमेश्वर के द्वारा मारे जाए के योग्य रहले, काहे से कि उ लोग पाप कैले रहले। लेकिन परमेश्वर ओ सबके बचावे के खातिर यीशु के भेजले, जे उनकरी पर विश्वास करेला। सैकड़न बरिस तकले पुरोहित परमेश्वर के खातिर बलिदान चढ़ावत रहले। ई दर्शावेला कि लोग पाप कैले बाने और इहो कि उ लोग परमेश्वर के द्वारा उ लोगन के दंड कैला के योग्य रहलन। लेकिन उ लोग का बलिदान उनकरी पाप के क्षमा ना कर सकत रहे। उ एक ही बलिदान होके के खातिर अपना के दे दिहलन, जेवन कि हर के उनो पाप के मिटा सकत बा। उ स्वीकार कैलन कि परमेश्वर उ सब के पाप के खातिर उनके दंड दीहन। यही कारण यीशु सिद्ध महापुरोहित बाने। परमेश्वर अब्राहम से कहले कि हम तोहरी द्वारा दुनिया के सब जातियन के आशीर्वाद देईब। यीशु यही अब्राहम के पीढ़ी हवन। परमेश्वर अब्राहम के माध्यम से सब जातियन के आशीष देले, काहे से कि जे केहू यीशु पर विश्वास करेला, परमेश्वर ओ सब के पाप से बचावे न। जब ई लोग यीशु पर विश्वास करिहे त परमेश्वर उ लोगन के अब्राहम का पीढ़ी माने लन। परमेश्वर अब्राहम से कहलन कि उ अपन निज बेटा उनकरी खातिर बलिदान कर दा, लेकिन फिर परमेश्वर इसहाक के बदले में बलि करे के खातिर एगो जानवर का बच्चा दिहलन। लेकिन परमेश्वर हमनी के जगह मरे के खातिर यीशु के बलिदान के रूप में दे दिहलन। यही कारण से हमनी का यीशु के परमेश्वर का भेड़ का बच्चा कहिला जा। जब परमेश्वर मिस्र पर अंतिम विपत्ति भेजले त उ हर एक इसराइली परिवार से कहलन कि उ लोग भेड़ का बच्चा का बलि करा जा, वो भेड़ का बच्चा में कौनो दोष ना होके। तब सब अपने दरवाजा के चौखट के ऊपर औरी बगलियों में उ लोग के लहू लगावे के रहे। जब परमेश्वर वो लहू के देखले त
वो लोगन के घर से आगे बढ़ गईलन और उ लोग के पहलौटा बेटन के नाम मरले। जब ई भइल त परमेश्वर एके फसा का त्योहार कहलन। यीशु फसा का त्योहार का एगो मेमना यानी भेड़ का बच्चा के तरह बाने। उ कबो पाप ना कैले, यही से उनकरी में कौनो गलती ना निकलल। उ फसा के त्योहार के समय मुले जब केहू यीशु पर विश्वास करेला तब यीशु का लहू वो आदमियन के पाप का कीमत चुका देला। ई ऐसन हो कि जैसे कि परमेश्वर वो आदमी के पास से आगे बढ़ जाले काहे से कि वो उनके दंड ना देले। परमेश्वर इसराइली लोगन के साथ एगो वादा कैलन काहे से कि वो लोग ऐसन लोग रहे कि जेके परमेश्वर अपन होके खातिर चुनले रहले। लेकिन अब परमेश्वर एगो ऐसन वादा कैलन कि जेवन की सबकरा खातिर बा। यदि केवनो भी जाति का केहू भी आदमी ए नया वादा के स्वीकार करी तो उ परमेश्वर की लोगन में शामिल हो जाई। उ ऐसन एक खातिर करे न कि काहे से कि उ यीशु पर विश्वास करे न। मूसा एगो ऐसन भवसकता रहलन कि जेवन की परमेश्वर की वचन का बड़ी सामर्थ के साथे प्रचार कैले रहलन। लेकिन यीशु सब भवसकतन में से सबसे बढ़ियार होवन। उ परमेश्वर बाड़े यही से जेवन कुछ भी उ कैलन और कहलन उ परमेश्वर का काम और वचन रहल। यही से पवित्र शास्त्र यीशु के परमेश्वर का वचन कहलात बा। परमेश्वर राजा दाऊद से वादा कैलन कि राजा के रूप में उनकर एगो पीढ़ी परमेश्वर के लोगन पर हमेशा के खातिर राज कर सकत बाड़े। दाऊद त इसराइल का राजा रहले, लेकिन यीशु पूरा दुनिया का राजा हवन। उ फिर से अइहन और हमेशा के खातिर न्याय और शांति के साथे अपन राज पर शासन करिहन। उत्पत्ति 1:3-6, 14-22, निर्गमन 12:20, दूसरा समुएल 7, इब्रानियों 3:1-6, 4:14, 5:10, 7:1-8, 13, 9:11-10, 18, प्रकाशित वाक्य 21 से एगो बाइबिल का हिस्सा।